पाना चाहते हैं खूब सारे अपराजिता के फूल अपने छोटे से पॉट में, या अगर आप लोग के पास बीज नहीं है, एक ही पौधे को आप लोग काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक चलाना चाहते हैं, और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग का अपराजिता हमेशा फूलों से और फलियों से लदा रहे, तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि काफ़ी टाइम से एक ही कमेंट बार बार मेरे पास आ रहा था कि अपराजिता के ऊपर भैया फुल वीडियो बनाइए, क्योंकि आपका जो वीडियो का एक्सप्लेनेशन रहता है वो बहुत अच्छा रहता है। तो कुछ कमेंट्स को मैं वीडियो के लास्ट में शॉर्ट आउट भी करूँगा, लेकिन अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, ड्रिंचिंग, यानी कि दोस्तों गुड़ाई। अक्सर हम लोग इस चीज़ का ध्यान नहीं देते, हम लोग खाद के पीछे पड़े रहते हैं कि हम लोग पौधे में खाद दे दें तो ही हमारा पौधा अच्छा ग्रो कर देगा, लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों? अक्सर व्यूअर फ्रेंड्स, हमारे जो खाद होती है वो पौधों को केवल पोषक तत्व यानी केवल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ही प्रोवाइड कराती है, ना कि हमारे पौधे को हवा यानी कि एयरेशन का प्रोसेस कंप्लीट करवा पाती है। आप लोगों को करना क्या है दोस्तों, आप लोग अगर गुड़ाई कर दोगे अपने पौधे में तो आपकी जो पौधों की जड़ें होंगी वो अच्छे से सांस ले पाएंगी, उन्हें थोड़ा नाइट्रोजन मिलेगा जो कि हमारे एयर में होता है। तो पौधे की गुड़ाई करना उतना ही ज़रूरी है जितना पौधे की ओवरऑल केयर करना। चलिए अब जानते हैं कि गुड़ाई कितने दिन में करना है। गुड़ाई आप लोगों को दोस्तों हर 10 से 15 दिन में करना है। इससे हमारे पौधे के ऊपर लगी हरी कलर की काई छूट जाती है, और हमारे पौधे में जब हम लोग पानी डालते हैं तो वो पूरा नीचे तक जाता है और हमारा पौधा हेल्दी बना रहता है। वेल गाइस, अक्सर आप लोग कमेंट करते हो कि भैया आप लोग अपने पौधे में से क्या डालते हो जिससे कि आपके जो प्लांट की ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है। तो आज मैं आप लोग को ऐसा एक बहुत अच्छा फर्टिलाइजर बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत अच्छा है आपके प्लांट के लिए, और साथ ही साथ इसके अंदर मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस और कई सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारे पौधों के लिए जरूरी होते हैं वो है। तो अक्सर जो आप लोग के हर बार कमेंट आते हैं कि भैया ऐसी कौन सी वो खाद है जो आप अपने पौधे में डालते हो, तो आप उससे बोल सकते हो ये है व्यूअर फ्रेंड्स गोट मैन्योर। गोट मैन्योर मतलब कि जो बकरी के लेनी यानी कि जो बकरी का वेस्ट जो गोट मैन्योर होता है उसका एक्सट्रैक्ट आप लोग बोल सकते हो होता है हमारा गोट मैन्योर। व्यूअर फ्रेंड्स, इसके अंदर ऐसे बहुत सारी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारे पौधे के लिए एसेंशियल होते हैं। आप लोग इसे अफोर्डेबल ऑर्गेनिक स्टोर से परचेज कर सकते हो, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप लोगों ने अब तक नहीं लिया तो प्लीज जाए लें। और कैसा रहा इस प्लांट का रिव्यू आप लोगों के साथ वो भी एक बार मुझको जरूर शेयर करें, क्योंकि ये मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जितना कि आपके लिए। अब चलिए ये बात जानते हैं कि इस प्लांट का आप लोगों को यूज़ कब करना है, यानी कि दिन में कब या किस मंथ में ज़्यादा यूज़ करना है। तो व्यूअर फ्रेंड्स, या तो आप लोग गोट मैन्योर को केवल एक बार यूज़ करें जब आप लोग अपना पॉटिंग मिक्स बना रहे हो अपराजिता के फ्लावर्स के लिए, या तो दोस्तों आप लोग अपराजिता के प्लांट में इसका एक लिक्विड मैन्योर बना लें और हर 20 से 25 दिन में देते रहें। आप लोगों को इस चीज़ की गलती बिल्कुल नहीं करनी, खड़ी गर्मी में यानी दोपहर के समय आप लोगों को इस फर्टिलाइज़र का या मैन्योर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स रिगार्डिंग अपराजिता के प्लांट के। टिप नंबर 3, स्टैंड यानी कि सहारा। हम लोग इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते, लेकिन जब आप लोग किसी भी प्लांट को, खासकर जो क्लाइंबर्स प्लांट होते हैं यानी कि जो बेल बनके किसी भी पौधे या सहारे के बल पे चढ़ते हैं ऊपर के साइड पे, उनकी ग्रोथ होती है। अपराजिता के प्लांट में भी कुछ ऐसी ही कंडीशन है, या अपराजिता का प्लांट भी कुछ ये ही चाहता है। तो आप लोगों को क्या करना है व्यूअर फ्रेंड्स, मैं अक्सर अपने पड़ोसियों को भी अपराजिता के प्लांट के साथ ही गलती करते हुए देखा है कि वो लोग केवल बस गमले में अपराजिता का प्लांट लगा देते हैं और उसे केवल छोड़ देते हैं। व्यूअर फ्रेंड्स, जब तक पौधे को एक सहारा, एक सपोर्ट नहीं मिलेगा, तब तक पौधे के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा कि वो खुद को कैसे मैनेज करे, क्योंकि अपराजिता का प्लांट बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट नहीं होता। अपराजिता का प्लांट हमारा बहुत ही ज़्यादा नाजुक सा होता है, और इसे चढ़ने के लिए कुछ स्टैंड यानी सहारा चाहिए होता है। और अगर इस केस में आप लोग इसे कुछ ऐसा सपोर्ट दे दोगे कि ताकि ये ऊपर क्लाइंब कर सके, तो इसके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो आप लोगों को ऐसे में क्या करना है, या तो आप लोग अपने प्लांट को किसी टेरेस पे नीचे रख के ग्राउंड फ्लोर पे या तो टेरेस पे चढ़ा सकते हो, या तो आप लोग को एक बड़ी सी स्टिक लेके आप लोग इसे किसी कील पे या हैंगर पे उसे हैंग कर दें। इससे क्या होगा व्यूअर फ्रेंड्स कि पौधा जितना लंबा होता जाएगा पौधे के साइड नोड से उतने ज़्यादा फ्लावर्स आएंगे। भले ही आप लोग पौधे में फर्टिलाइज़र दे दें अच्छा वाला मंगा के, या आप लोग पौधे में गुड़ाई का ध्यान रखें, आप लोग पौधे में फर्टिलाइज़र दे टाइम से, आप लोग पानी का सही से नियंत्रण रखें, लेकिन अगर आप लोगों ने पौधे में ये एक गलती कर दी कि सपोर्ट नहीं दिया, तो
तो आप लोग का पौधा अच्छा नहीं चलेगा, केवल उसमें कुछ टाइम तक ग्रोथ रहेगी, उसके बाद आपका पौधा ऑटोमेटिक मर जाएगा। क्योंकि जो प्लांट का नेचर है व्यूअर फ्रेंड्स, ये क्लाइंबर है। हमारा पौधा उतना अच्छा चलेगा जब क्लाइंब करेगा। मैंने भी आप लोग को फर्टिलाइज़र के बारे में बताया, लेकिन मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि ये फर्टिलाइज़र का टाइम पीरियड क्या रहना चाहिए। तो व्यूअर फ्रेंड्स, आप लोग इससे हर एक महीने से दो महीने पे बड़े ही आराम से यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अपराजिता हमारा फ्लावरिंग प्लांट है। इसको ऐसे कोई बहुत ज़्यादा मैक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत नहीं है। ये कम फर्टिलाइज़र में भी या कम मैन्योर में भी अपना काम चला लेगा, लेकिन जो पॉट साइज़ है वो बहुत मैटर करता है। तो पॉट साइज़ का भी आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। ध्यान लेना भी बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से आप लोग अपराजिता के प्लांट को बहुत सारे पौधों में फर्दर डिवाइड कर सकते हो। या तो आप लोग इसे बीज से ग्रो कर सकते हो, या तो आप लोग इसे कटिंग मेथड से ग्रो कर सकते हो। फिलहाल जो अभी आप लोग देख रहे हो, ये मैंने सीड से ग्रो किए हैं अपने कटिंग वाले अपराजिता के प्लांट से। अभी जिस मैंने प्लांट की पूरी डिटेल आप लोग को दी है, वो कटिंग से ग्रो किया हुआ था, जो कि मैं नर्सरी से लाया था 20 रुपये का केवल। और फिर उसी के कुछ सीड्स पक गए थे और उसी सीड से मैंने इसको फर्दर ग्रो किया है। आप लोग को मैं एक और बात बता दूं कि कटिंग से ग्रो किए हुए पौधे, क्योंकि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने होते हैं, तो उनके अंदर बीमारियां नहीं लगती। साथ ही साथ जो उसका जो फ्लावरिंग का टाइम होता है वो बहुत अच्छा होता है। बहुत लॉन्ग पीरियड तक वो लोग केवल फ्लावरिंग करते हैं, कटिंग वाले प्लांट। तो अगर आप लोग कटिंग से ग्रो करना चाहते हैं अपराजिता को, तो मैं कहूँगा कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप लोग कटिंग वाले ऑप्शन से ही जाइए। कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि अपराजिता का प्लांट कटिंग से नहीं ग्रो हो पाता, लेकिन अगर आप लोग सही कंडीशन में उसे ग्रो करोगे रेनी सीजन में और ह्यूमिडिटी का ध्यान रखोगे, उसके पर डायरेक्ट सनलाइट ना लगे, तो जनरली आप लोग का जो अपराजिता की कटिंग है वो लग ही जाएगी। टाइम श्योर की 100% लग ही जाएगी, नहीं मरती। साथ ही साथ मैं आप लोग को बता दूं, कुछ कमेंट आ रहे थे कि भैया अपराजिता का प्लांट कटिंग से लगाएं या सीड से लगाएं, तो मेक श्योर कि आप लोग को उसका जवाब मिल गया होगा। आप लोग कटिंग से जाइए, कटिंग से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। बाकी एक छोटा गार्डन टूर, कुछ कमेंट्स आ रहे थे उस पर। अब आगे म्यूज़िक चलेगा। वीडियो को अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखा, देख लीजिए बाकी वीडियोज़ को जो कि चैनल पर पड़े हुए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और करें। साथ ही साथ अभी मैं आप लोग को एक छोटा सा सरप्राइज देना चाहता हूँ वीडियो के एंड में। इस वीडियो के लास्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक शेयर करूँगा आप लोग के साथ, जिसके अंदर कुछ ना कुछ फ्री गिफ्ट्स आप लोग के लिए होंगे। तो ज़रूर जाएँ उस लिंक में और आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करें।